नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रही हैं एफएम न्यूज। 2018 में एक खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अर्णव के वकील ने जमानत की याचिका लगाई है। बुधवार को अर्णव गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। इंटीरियर डिजाइनर अन्वय ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया था कि अर्णव के साथ अन्य दो लोगों ने उनके 5.5 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। वहीं बीजेपी नेता तेजविंदर पाल सिंह बग्गा ने महाराष्ट्र सदन के बाहर आपातकाल 2.0 वाले पोस्टर लगवा दिए हैं। अर्णव गोस्वामी पर मुंबई पुलिस ने एक FIR दर्ज की है। पुलिस ने उन पर गिरफ्तारी के दौरान महिला पुलिसकर्मी से मारपीट के आरोप में केस दर्ज किया है। यही नहीं, उनकी पत्नी, बेटे और दो अन्य लोगों के खिलाफ भी इस मामले में FIR दर्ज की गई है। इसी बीच अर्णव गोस्वामी ने पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। रिपब्लिक टीवी चैनल की ओर से दिखाई गई वीडियो में अर्णव गोस्वामी कहते हैं कि उनके साथ प्रदीप पाटिल समेत 8 पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी की है और मारपीट भी की है। उन्होंने कहा है कि मुझे घर से उठाकर लाया गया, यहां तक कि मेरे पैरों में जूते भी नहीं थे। अर्णव ने हाथ में जख्मी दिखाया। इसी बीच गोस्वामी को मुंबई पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद मीडिया जगत में भी हलचल है। रिपब्लिक के प्रतिद्वंदी चैनल इंडिया टुडे ने भी अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा है कि हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस सही फैसला लेंगे। इंडिया टुडे के इस बयान की क्लिपिंग को पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी ट्वीट किया है। चैनल ने कहा है कि पत्रकार कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन सरकार भी बदले की कार्रवाई के लिए कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकती। इससे पहले गिरफ्तार कर अलीबाग पुलिस स्टेशन ले जाने के दौरान अर्णव ने कहा था, जनता जीतेगी, हम लड़ेंगे, उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह मेरा कुछ नहीं कर सकते, वो मुझे चाहे जितना मारे, मैं जनता से अपील करता हूं कि आवाज उठाइए। बता दें कि गुरुवार की सुबह अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया था, जहां 2 साल पहले आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में अरेस्ट किया गया है। उनके साथ 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। इस पर एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है। एडिटोरियल लीडर्स के सबसे बड़ी संस्था एडिटर्स गिल्फ ऑफ इंडिया ने भी गिरफ्तारी की निंदा की है। अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार निशाने पर आ गई है।